गारंटी से हेयर ग्रोथ होगा इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर आपने एक महीने लगातार कर लिया तो। वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज अपलोडेड हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमें ये इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा, किसी को कुछ इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो आज की रेमेडी मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है जो आपके घर में मौजूद होंगे, जिन्हें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। फटाफट से दो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, जो आपके इतना भयंकर हेयर ग्रोथ करेंगे और साथ ही साथ इतने शाइनी आपके बाल कर देंगे कि आप बोटॉक्स, केराटिन सब भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली रेमेडी। इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज का। प्याज सभी घर में अवेलेबल होता ही है, इसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, सबके घर में ये इजीली मिल जाता है। प्याज में हाई अमाउंट में सल्फर होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे हमें करना क्या है, प्याज को छीन लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, फिर उसके बाद एक जार में इसको डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अगला इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वो है लौंग है। लौंग आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है, लौंग भी आपके हेयर ग्रोथ में बहुत सहायक होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से करता है जिससे नए बालों को उगने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे स्कैल्प से गंदगी को साफ करता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे हेयर को वॉल्यूमाइज बनाता है, फ्रेश बनाता है, बहुत अच्छे गजब के रिजल्ट्स ही हमारे बालों में लेकर आता है, सिल्की शाइनी स्मूथ बनाने में भी बहुत मदद करता है करी पत्ता। तो करी पत्ते को भी मैं यहाँ पर जार में डाल दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कोकोनट ऑयल का। अगर आप ऑलिव ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल आपके बालों को सिल्की शाइनी काला घना लंबा बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए फटाफट से कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर देते हैं। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस जार को बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपको कम से कम 3 दिन के लिए इसको धूप में रखना है। डेली आपको इसको धूप में रखना है, शेक कर करके 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद ये तेल प्रॉपर अपने आप खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर तरीके से इस तेल में मिक्स हो जाएंगे। 3 दिन के बाद आपको करना क्या है, इसको छान लेना है। छानने के बाद आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं प्याज किस तरीके से सॉफ्ट हो गई है, सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर तरीके से किस तरीके से ऑयल में मिक्स हो गए हैं और ऑयल का कलर चेंज हो गया है। तो आपको करना क्या है, आपको डेली रात को सोते टाइम इस हेयर ऑयल को अपने सर में मसाज करनी है। डेली आप करें तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस तेल से अपने सर में मालिश ज़रूर करें। ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप रात भर के लिए हेयर ऑयल को सर में छोड़ दें, अगले दिन शैम्पू करें। अब दूसरा हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसा शैम्पू हैक बताने वाली हूँ जिससे आप केराटिन, स्पा, बोटॉक्स सब भूल जाओगे, इतनी गजब की शाइन ये आपके बालों में लेकर आएगा। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ शैम्पू का। शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो वो शैम्पू आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शैम्पू ले लिया है। उसके बाद जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ वो इन्ग्रीडियंट है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी में केराटिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉफ़ी में ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बेहद मदद करते हैं, ये आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट भी करते हैं और आपके बालों को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर डाल के मैं अच्छे तरीके से इस शैम्पू को मिक्स कर लूँगी। तीसरी कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें कॉफ़ी ही ऐड करनी है। ये आपके बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है। एक ही बार में ही आपको रिजल्ट्स इसके देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप महीना भर यूज़ करें जब देखें या हफ्ता भर, एक ही वॉश में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा, 2-3 बार के इस्तेमाल से ही बिल्कुल गायब हो जाएगा हेयर फॉल। आप खुद मुझे बताओगे कि दी इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। तो इस शैम्पू से आपको अपने बालों को शैम्पू करना है, गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, इस्तेमाल करके देखिए, बनाइए, इस्तेमाल करिए, फिर मुझे बताइए कितने गजब के रिजल्ट्स इसको आपको देखने को मिले। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी जानकारी। आप इसको इस्तेमाल करिए, बनाइए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।